দেখি তাকাও আমার দিকে তাকাও দেখি। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कल रात की मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी जो आप सभी के सामने शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हर एक बात मैं आप सभी के सामने शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी बात शेयर कर दूँ। तो कल रात मैंने एक मूवी देखी, कल रात ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद, अनुषा को सुलाने के बाद, जो मूवी है कंटारा। ऑलरेडी शायद आप लोग बहुत कोई हैं जो देख चुके हैं ये मूवी, लेकिन जो भी अभी तक ये मूवी नहीं देखे हैं, मैं सजेस्ट करना चाहिए, मैं चाहूँगी कि आप जाके देखें। ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं, थिएटर से मे बी चले भी गए हैं, लेकिन अमेज़न प्राइम में, इवन नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, आप जाके देखें। मैं ऐसी टाइप के इंसान हूँ जो भगवान को ज़्यादा विश्वास नहीं करती, पूजा ज़रूर करती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मैं खुद को ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कुछ करूँ तो ही मुझे उसका फल मिलेगा। भगवान है लेकिन उतना भी मुझे ट्रस्ट नहीं था। लेकिन कल वो मूवी देखने के बाद मैं सारा रात, पूरा सारी रात मैं नहीं सोई हूँ, और उसके बारे में सोच रही थी। पूरा यूट्यूब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, उनके ये कल्चर के बारे में, उनके ये पूजा के बारे में। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई भी अभी तक नहीं देखे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, जो मेरे ब्लॉग देखे हैं प्लीज़ जाके देखो, बहुत अच्छी मूवी है। और ये फिल्म देखने के बाद, ये फिल्म देखने के बाद मैं एक बात आप सभी के सामने बता सकती हूँ कि मुझे लगता है मुझ जैसे इंसान जो भगवान जी को, आई मीन भगवान के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत, आई मीन 100% बढ़ जाएगा कि हाँ, भगवान को अगर सामने से भी आप नहीं देखे हैं तो भी कुछ तो है, एक स्पिरिचुअल थिंग, कुछ तो एक आपके सामने, कुछ तो है जो आप देख नहीं पा रहे लेकिन है आपके साथ और हमेशा रहते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ मूवी देखने के बाद। जो एक्टर है उनका जो एक्टिंग है आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा। पहले पहले मुझे अजीब ही लग रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट तक जब तक मैंने पूरा मूवी कंप्लीट नहीं कर लिया, 2 घंटे की मूवी है, इतना अच्छा मूवी है, मैं बोल ही नहीं सकती कितना मुझे कैसा फील हो रहा है अभी तक वो मूवी देखने के बाद। सारा रात मैं उसके बारे में रिसर्च की और उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में। तो ज़रूर आप जाके देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये मूवी। मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगेगा जैसे कि मुझे लगा है। तो चलिए मैं फ़िलहाल निकल रही हूँ, मेरा बैग ऑलरेडी यहाँ पे पैक है, मैं निकल रही हूँ मेरे फादर इन लॉ के साथ डॉक्टर के पास, वहाँ पे जाके मिलते हैं। अनुषा सो रही है, मैं निकल रही हूँ। तो हम दोनों निकल जाने के बाद हमें पता चला कि हमारा वहाँ पे जो टेस्ट होने वाला था वो आज नहीं हो पाएगा, वो कल हो पाएगा। इससे क्या हो गया कि हमारा जो डॉक्टर का डेट था ना, वो हमें डिले करना पड़ा फिर से। सो घर पे आने के बाद बहुत सारे आज पार्सल रिसीव होने वाले थे, जिनमें से एक यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवरी हो चुका है, वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये मेरे भाई के लिए मैंने ऑर्डर किया था, सामने ही पहला बैशाख है और बंगाली लोग को सभी को पता ही है हम लोगों के लिए ये नया साल माना जाता है, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत ही चीप था तो मैंने रिटर्न कर दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, बहुत सारे पार्सल रिसीव होने वाले हैं, एक आ चुका है ऑलरेडी। ये अनुषा की बुआ के लिए मैंने ऑर्डर किया था और इसका जो कपड़ा है और जो भी है पूरा ठीक ही आया है और मैं इसको रखूँगी, और मुझे कलर भी बहुत पसंद आया है, सभी को पसंद आया है। फ़िलहाल वो अगर देखेगी व्लॉग उसको भी पता चल जाएगा, फ़िलहाल अभी मैं नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ सभी को एक साथ मिले। और फ़िलहाल इसको मैं रखूँगी और आगे जो भी आएगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊँ। तो मैं गई थी मेरे भाई को ले आने के लिए, तो वहाँ पर जाके ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हो पाई, तो फ़िलहाल
अनुषा को रेडी करके मैं निकल रही हूँ अनुषा के मामा के साथ मेरे घर के लिए। सो फिलहाल दोनों को घर पे छोड़ के मेरे घर पे छोड़ के मेरे ससुराल पे हम लोग मार्केट पे आए हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, बाज़ार लेने के लिए, बिकॉज रात के लिए डिनर भी बनाना है यहाँ पे जाके के। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दाल बिठा दिया है और इसके साथ मैं बना रही हूँ तड़का, जिसके लिए ऑलरेडी दाल मैंने बॉईल कर लिया है। तो पूरा तो प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी बिकॉज मुझे लगता है सभी को पता है, लेकिन आज सच बताऊँ सुबह से मैं ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाई, बहुत ही बिजी शेड्यूल था। डॉक्टर के पास जाना था, उसके बाद घर पे आके सब कुछ रेडी करने के बाद अनुषा को लेके निकलना था और मामा को भी लेके आना था, मेरे भाई को, बिकॉज़ उसका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। तो चाहती थी कि वो कुछ दिन मेरे घर पे रहें, तो दो दिन वो रहेंगे। फ़िलहाल जो भी है रात का डिनर मैं वही तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कुछ दिनों तक अनुषा बहुत खुश होने वाली है, बिकॉज अनुषा को अपनी पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने मामा से है, मुझे पता चलता है ये। और हमेशा वो चाहता है कि उसके आसपास ही वो रहें, बिकॉज उसको अपनी फ्रेंड के जैसे मानता है वो। और फिलहाल यहाँ पे मैं ये हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है, उसके साथ मैं थोड़ा सा एग मिक्स करूँगी, एक तड़का बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे ऑलरेडी तड़का बन चुका है, बस इसके बाद मुझे रोटी बनाना है। और आगे वाले व्लॉग में आपको बहुत कुछ और भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, अनुषा की मौसी भी आने वाली है, बहुत दिनों बाद वो आती है। जब आती है बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब जाने का टाइम होता है वही मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। बट फिलहाल वो आने वाली है, उसके ज़्यादा उससे ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड हूँ। अनुषा के रिएक्शन मैं देखना चाहती हूँ, क्या उसे याद कर पाती है, बहुत दिनों पहले मिली थी। फिलहाल रोटी भी बन चुका है, यहाँ पे सभी को मैं खाना सर्व कर रही हूँ। और उसके साथ डिनर में तड़के के साथ रोटी, KFC का चिकन भी था और थोड़ा सा मिठाई। तो फिलहाल अनुषा के पापा को और अनुषा के जो मामा हैं उनको खाना सर्व करूँगी, एक एक करके सभी को सर्व करूँगी। तो डेली व्लॉग के साथ साथ मेरे मैं चाहती थी थोड़ा बहुत अलग कुछ मैं दिखाऊँ, बोरियत ना फील हो हर रोज़ के व्लॉग के साथ साथ। तो आज मैं या कल मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अनुषा के जो पापा बोल रहे हैं कि फ़िलहाल आपकी जो बहन अनुषा की जो मौसी है मेरी बहन वो आ जाए, उसके बाद हम लोग कुछ एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, बिकॉज चाहती हूँ कि सभी लोग एक साथ रहें। तो और कुछ ही दिन बाकी हैं, बिकॉज संडे 2 तारीख को वो आने वाली है और मंडे 3 तारीख को है अनुषा के पापा का बर्थडे। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं क्या क्या प्लान हम लोग करते हैं। फिलहाल मैं बोल के स्पॉइल नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज अनुषा के पापा चाहते हैं कि हम सब एक साथ मिलके कुछ प्लान करें। और कुछ ही दिनों की बात है, वो भी आ जाएगी और हम कुछ प्लान ज़रूर करेंगे, या घूमने की या कुछ क्रिएटिविटी ब्लॉग की, जो आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए सॉरी, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई, मैं बिज़ी थी अपने अपने कामों में और अनुषा के जो मामा हैं उनको लाने में घर पे। और बस कुछ ही दिन की बात है। और एक बात मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगी, आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हो और कमेंट में या मेरे साथ मेरे ये नए जर्नी में, बिकॉज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल था बहुत ही ज़्यादा पुराना था, 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ रीज़न की वजह से। 10 या 15 मेरा व्लॉग्स पहले के हैं, लेकिन ये जो मेरी जर्नी है मैंने ऑलमोस्ट 9 महीना हो चुका है इस जर्नी का। आप बहुत मुझे प्यार कर रहे हैं, बस ऐसे ही प्यार बने रहिएगा हमारे साथ, प्यार करते रहिएगा और मिलते हैं बहुत सारे एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। मामा को है, मामा की कौन से मामा बाड़ी चले जाए, मामा क्या ना मामा शाहरुख काट बे, तो मामा जा बाड़ी क्या ना आ शाहरुख काट ले, शाहरुख काट ले क्या बे कान बे मामा कान मामा बाड़ी जा।
মামা বাড়ি যাক। কেন মামা থাক, উফ, মামা থাকলে কি হবে? মামা থাকলে ঘুমাবে? আজ আজকে কি মামা আমাদের বাড়িতে থাকবে? থাকবে না? আচ্ছা দাদা, মাইকেলের সাথে গিয়ে তুমি কি করলে? কি খেলে ওখানে গিয়ে? বল খেললি? গাড়ি চলেছো? হ্যাঁ, কি গাড়ি? কি গাড়ি? হ্যাঁ, পিঙ্ক কালার, পিঙ্ক কালারের গাড়ি চলেছো? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং, কিপ লাভিং, সি ইউ অন মাই নেক্সট ব্লগ, বাই বাই।